नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत कुमार और स्वागत है दोस्तों आपका अपने डीके नॉलेज चैनल में। दोस्तों देखिए, आज भौतिक विज्ञान की मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसके बारे में आपको उपग्रह और पलायन वेग के बारे में और उपग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिए, ज्यादातर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और मैं मानता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो दोस्तों देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई उपग्रह की। देखिए उपग्रह अगर भौतिक विज्ञान में हम जाते हैं तो इसका मतलब भी वही होता है जो कि हमारा भूगोल में होता है। यानी उपग्रह से मतलब होता है ऐसे कोई भी, कह सकते हैं ऐसा कोई भी पिंड जो कि किसी ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करता है या घूमता है, क्या कहलाता है? उपग्रह कहलाता है। यानी किसी किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाला यंत्र कह सकते हैं, यहां उपग्रह है। ठीक है, यंत्र भी हो सकता है और दोस्तों पिंड भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, पिंड भी कह सकते हैं और यंत्र भी कह सकते हैं। अब देखिए पिंड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बात करते हैं उपग्रह। उपग्रह दोस्तों ये आप समझ गए कि किसी भी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो पिंड होता है उसे क्या बोलते हैं भाई? उपग्रह बोलते हैं। अब दोस्तों उपग्रह की अगर प्रकार की बात करते हैं तो दोस्तों उपग्रह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। यानी उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के। नंबर एक हमारा होता है प्राकृतिक उपग्रह। कैसा होता है? प्राकृतिक उपग्रह। और दोस्तों एक हमारा होता है नंबर दो कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह। अब दोस्तों देखिए, प्राकृतिक जो उपग्रह होते हैं इसमें मनुष्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, यानी मनुष्य इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, मनुष्य इसे नहीं बना सकता, ये नेचुरली रूप से बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल जैसा कि हमारा चंद्रमा है जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, तो इसे क्या है? ये प्राकृतिक उपग्रह है क्योंकि इसे जो है किसी इंसान ने नहीं बनाया। जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं इन्हें मानव निर्मित उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों देखिए, ये मानव इन्हें बनाता है और ये जो है यानी ग्रहों की कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं और यानी परिक्रमा करने के लिए तैयार किए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे जो कृत्रिम उपग्रह हैं ये भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा हमारा कक्षीय उपग्रह और एक हमारा हो जाएगा भूस्थर उपग्रह। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा जो कक्षीय उपग्रह है ये क्या हो गया? कक्षीय उपग्रह हो गया एक हमारा, और एक हमारा होगा भूस्तर उपग्रह। तो दोस्तों देखिए, जो कक्षीय उपग्रह होता है हमारा ये क्या होता है दोस्तों? ये किसी पृथ्वी या किसी भी ग्रह के चारों तरफ घूमता है, यानी ये स्थिर नहीं रहता। एग्जाम्पल मानिए ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ जो घूमने वाला ग्रह है, जैसे मानिए इसकी मतलब ये इसका कक्ष है और इस कक्ष पर जो घूमने वाला जो ग्रह है ये चल रहा घूम रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कक्षीय उपग्रह कहलाएगा। लेकिन भू स्तर उपग्रह दोस्तों, ये वाले जो उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी की एक कक्षा में स्थापित कर दिए जाते हैं, यानी अंतरिक्ष में जाने के बाद ये पृथ्वी की एक कक्षा में स्थापित कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल मानिए ये हमारी पृथ्वी है तो ये यहाँ या फिर यहाँ या किसी भी इसकी कक्षा में कहीं भी एडजस्ट इन्हें किया जा सकता है। और एडजस्ट करने के बाद ये दोस्तों बहुत ही काम के उपग्रह होते हैं। ये हमें दूर संचार से संबंधित सभी जानकारी को प्रदान करते हैं, जैसा कि टीवी सिग्नल हो गया, मोबाइल सिग्नल हो गया, कंप्यूटर सिग्नल वगैरह, इंटरनेट वगैरह, ये इसके लिए जो बहुत ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए दोस्तों उपग्रह क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ये उपग्रह क्या है? किसी भी ग्रह के चारों ओर जो यंत्र परिक्रमा करते हैं या जो पिंड परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता,
ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह जो होता है इसमें मानव कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जबकि कृत्रिम उपग्रह जो होता है ये मानव निर्मित होता है, इसे मानव बनाता है। ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, कक्षीय उपग्रह और भूस्तरीय उपग्रह। जो कक्षीय उपग्रह होते हैं दोस्तों, ये यानी घूमते रहते हैं पृथ्वी के चारों तरफ, कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ये स्थिर नहीं रहते। जबकि भू स्तर उपग्रह जो है ये स्तर एक जगह पृथ्वी की कक्षाओं में एडजस्ट कर दिए जाते हैं, जो विभिन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होते हैं, मेनली मतलब जो संचार के साधन है उनके लिए। ठीक है, तो ये आप दोस्तों यहां तक समझे। अब देखिए बात करते हैं उपग्रह की चाल। उपग्रह की चाल तो दोस्तों देखिए ये आप समझ गए, ठीक है, इसे मिटाते हैं और देखिए फिर हम देखते हैं इसे। देखिए उपग्रह की कक्षीय चाल क्या है दोस्तों, देखिए जब कोई उपग्रह ये होता है वित्तीय कक्षा में उपग्रह की कक्षीय चाल, देखिए वित्तीय कक्षा में उपग्रह की कक्षीय चाल नियत होती है, इसी नियत चाल को क्या कहते हैं दोस्तों, उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं, उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। समझे दोस्तों, यानी वित्तीय कक्षा में जब कोई उपग्रह मतलब क्या कह सकते हैं परिक्रमा करता है, तो उसकी जो कक्षीय चाल है वो नियत रहती है, यानी घटती बढ़ती नहीं, वो निश्चित होती है। इसी नियत चाल को क्या कहते हैं, उपग्रह की कक्षीय चाल के नाम से जाना जाता है या उसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया, अब करते हैं उपग्रह में भारहीनता या किसी पिंड में भारहीनता ऐसे भी कह सकते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। चलो नीचे ले लेते हैं, देखिए इसे, देखिए दोस्तों ये उपग्रह का मैं भारहीनता के बारे में आपको बताऊं। देखिए आपने देखा होगा कि जब हम किसी वस्तु पर खड़े होते हैं तो वस्तु भी इतना ही बल प्रतिक्रिया के रूप में हम पर लगाती है। एग्जाम्पल मानिए कि हम पृथ्वी की सतह पर खड़े हुए हैं, तो पृथ्वी की सतह द्वारा हम पर एक प्रतिक्रिया बल लग रहा है जिस वजह से हम यहाँ एडजस्ट हैं। अगर उस बल को हटा दिया जाए तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हम अपने आप को भारहीनता महसूस करते हैं, यानी कहने का मतलब हमें भार नहीं है ऐसा महसूस करते हैं, तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं दोस्तों, उस अवस्था को बोलते हैं भारहीनता। तो ये स्थिति दोस्तों उपग्रह में भी हो जाती होगी, यानी उपग्रह को अगर अंदर हो उस अवस्था में, मतलब कह सकते हैं जब प्रतिक्रिया बल ना लगा हो, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, भारहीनता की स्थिति कहते हैं उपग्रह के अंदर। तो दोस्तों देखिए लिखेंगे, जब कोई प्रतिक्रिया बल ने लगाया जाए, यानी जब किसी वस्तु पर कोई प्रतिक्रिया बल न लगाया जाए, तब उत्पन्न होने वाली जो स्थिति है उसे क्या कहते हैं, भारहीनता बोलते हैं। ठीक है, तब उत्पन्न होने वाली स्थिति भारहीनता है या भारहीनता कहलाती है। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, तो ये वाली स्थिति हो गई। अब दोस्तों देखिए इसकी बात करते हैं, लिफ्ट में पिंड का भार। देखिए कोई भी लिफ्ट है दोस्तों, आपने देखा होगा जब लिफ्ट ऊपर से नीचे जाती है तब हम सोचते हैं कि भार, हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें भार अधिक है। ठीक है, जब ऊपर से नीचे आती है तो हम भारहीनता का मतलब अनुभव करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि हमें भार कम दिखाई देता है। तो लिफ्ट में जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जा रही हो, यानी कह सकते हैं जब नीचे से ऊपर जा रही हो, यानी जब लिफ्ट जो है नीचे से यानी ऊपर जा रही हो, तो तब क्या, W बराबर होता है दोस्तों हमारा mg प्लस ma,
यानी ये हो जाएगा हमारा द्रव्यमान, जी बराबर हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, और एम बराबर फिर हमारा द्रव्यमान है, और ये हमारा क्या है भाई, ये त्वरण है, और ये क्या है भाई दोस्तों, ये हमारा क्या है भार है, ठीक है। और जब नीचे यानी ऊपर से नीचे आ रही हो, यानी ऊपर से नीचे आ रही हो, नीचे आ रही हो, तो तब क्या हो जाएगा दोस्तों, W बराबर हो जाएगा एम जी माइनस का एम ए, ठीक है, यानी ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा, बस होता ही है दोस्तों। ज्यादातर पूछा जाता है कि लिफ्ट में जब यानी जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जा रही हो या ऊपर से नीचे आ रही हो, तब क्या सिचुएशन होती है, लिफ्ट का भार क्या होता, तो दोस्तों ये होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये जब नीचे आ रही हो और ये जब ऊपर जा रही हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तो आप समझ गए। अब बात करते हैं दोस्तों पलायन वेग की। देखिए पलायन वेग की, यानी एक बात और बता दो, देखिए लिफ्ट में भार जो है, कभी कभी हम भारहीनता की महसूस करते हैं। देखिए हम लिफ्ट में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अचानक मान लो लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट एकदम नीचे आती है। जब एकदम नीचे आती है उस अवस्था में हम जो बिल्कुल अपने आप का भार जो शून्य महसूस करते हैं, कहने का मतलब उस अवस्था को भारहीनता की स्थिति कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लिफ्ट के साथ साथ आएंगे तो हमारा भार बिल्कुल मतलब समान रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है, एक जैसा रहेगा। अब देखिए पलायन वेग की बात करते हैं दोस्तों, ये आप समझ गए पलायन वेग के बारे में। देखिए इसे मिटा देते हैं, अब बात करते हैं पलायन वेग। देखिए भाई, किसी पिंड को जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, उस पिंड को यदि हम गुरुत्व क्षेत्र, जो का पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है, उससे बाहर इतनी वेग से फेंक देते हैं कि वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, तो वो पिंड कभी भी पृथ्वी पर लौटकर नहीं आता। और जिस वेग से वह जाता है, जिस वेग से वह पिंड मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर लेता है, वह वेग क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं दोस्तों पलायन वेग। पलायन माने भाग जाना, ठीक है। यानी जब कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को जिस वेग से पार करके वापस पृथ्वी पर नहीं लौटे, वापस पर नहीं लौटे, उसे पलायन वेग कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। पलायन वेग किसे कहते हैं आप समझ गए, जब किसी पिंड को हम खूब खींच के ऊपर मारते हैं, वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर बैक नहीं आता, वापस नहीं आता, तो उस वेग को क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। तो दोस्तों देखिए पलायन वेग जो है, देखिए अगर पूछता पलायन वेग के बारे में, तो किसी भी उपग्रह या किसी का भी जो पलायन वेग निकलने के लिए सूत्र है, देखिए पलायन वेग बराबर, देखिए यहां लिख लेते हैं, इसे बिठा देते हैं, मिटा देते हैं, इधर देखिए, यह है भाई पलायन वेग। पलायन वेग बराबर होता है दोस्तों हमारा रूट में 2gr। दोस्तों आर जो है इसमें क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या हो गई हमारे, और इसमें जी बराबर हो गया गुरुत्वीय त्वरण जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा ये हो गया। अब दोस्तों इसका अगर मान लो पृथ्वी का हम पलायन वेग निकालें, तो ये निकलेगा दोस्तों, देखिए ये होगा 2, और हमारा जी का मान कितना, 9.8, और भाई हमारा आर का जो मान है यानी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है दोस्तों, तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 गुणा, यानी 6.4 गुणा 10 की घात 6, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या आएगा, मीटर, ठीक है। अब देखिए हम कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए इसकी गुणा कर लेते हैं, इसकी गुणा करेंगे तो कैसे आएगा दोस्तों, देखिए
ये हो जाएगा 2 8 16 का 6 और 2 9 18 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 19, यानी ये आएगा कितना हमारा 196 गुणा ये आएगा हमारा कितना 6.4 गुणा 10 की घात हमारा 6 रहेगा। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ ये कितना भाई 14 का है, तो 14 का वर्ग है ये 14 हो जाएगा, 14 गुणा यानी 14 1.4 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा कि 0.8, और ये जब इससे बाहर निकालेंगे तो ये हमारा 6 है, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो देखिए 8 चौक 32 का 2 होता है, और 8 ही कम 8, 8 ही कम 8 और 2, 8 और 8 और 3 सॉरी 11 है, तो ये होगा 11 है। दशमलव ये कितने अंकों पे है दोस्तों हमारे, देखिए इधर बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा दशमलव, इधर 1 0 और बढ़ा लेते हैं मान लो, तो दशमलव हमारा 2 अंकों पर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा इतना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब, और 10 की घात हमारा कितना हो जाएगा 3, ये होगा हमारा मीटर। अगर दोस्तों इसे किलोमीटर में बदलें तो ये हो जाएगा हमारा यानी 11.2 गुणा 10 की घात 3 है, और 3 यानी 10 की घात 3 से हम भाग दे देंगे तो ये हमारा बच जाएगा 11.2 किलोमीटर। ठीक है, प्रति सेकंड, हाँ मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है मीटर प्रति सेकंड था ये, और मीटर किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये वाला क्या आ गया दोस्तों, पृथ्वी का पलायन वेग आ गया, पलायन वेग कितना आ गया इतना। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा ये और रह गया है, जो उपग्रह का परिक्रमण काल जो होता है, उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है, परिक्रमण काल, तो ये क्या होता है दोस्तों, देखिए उपग्रह का परिक्रमण काल, देखिए कोई भी उपग्रह, कोई भी उपग्रह मान लो ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर घूमने में एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है, यानी एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, उस टाइम को क्या बोलते हैं, उपग्रह का परिक्रमण काल बोलते हैं। अगर मान लो कोई भी पिंड पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है तो दोस्तों उसका परिक्रमण काल सबसे कम कितना होगा, 84 मिनट होगा, यानी सबसे कम की बात करें तो 84 मिनट होगा, या कितना होगा हमारा, या होगा भाई दोस्तों हमारा 5,063 सेकेंड, यानी कोई भी अगर सबसे निकट है तो उसका परिक्रमण काल कितना होगा, 84 मिनट होगा, या फिर 5,063 सेकेंड होगा। ठीक है, अगर कोई निकट है, सबसे निकट का यही होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, मैंने एक एक करके आपको बता दिया, उपग्रह के बारे में बताया आपको, और उपग्रह की कक्षीय चाल के बारे में बताया, उपग्रह की भारहीनता के बारे में बताया, उपग्रह का परिक्रमण काल के बारे में बताया, लिफ्ट में भार भार के बारे में बताया, या और पलायन वेग के बारे में बताया। ठीक है, और पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो निकाल के दिखाया दोस्तों, मैं मानता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।